नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक्चुअली क्वेश्चन में बोल रहा है फिगर शोज ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर हैविंग ए मास 3 केजी। द स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर पुल्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स 20 एंड 32 न्यूटन। फाइंड द फोर्स एग्जर्टेड बाय 20 सेंटीमीटर पार्ट of the rod on the 10 centimeter part. All the surfaces are smooth and the string and the pulleys are light. तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सिचुएशन दे दिया, ये पूरा लेंथ जो था कितना था, वो 30 सेंटीमीटर था। ठीक है, तो यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ 20 और 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो ये 20 वाला जो पार्ट है इस पे कितना फोर्स लगाएगा 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे, वही वैल्यू को बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो ये 32 न्यूटन तो भले नीचे की तरफ है, बट मैं इसे इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, आंसर में जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब मैग्नीट्यूड इससे निकाला जा सकता है। तो ये वाला जो पार्ट है उसको मैं स्ट्रेट कर दिया, ये वाले पार्ट को भी स्ट्रेट कर दिया, तब आपको क्या दिखेगा कि एक सिस्टम है, राइट साइड में 32 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और इसका मास तो ऑलरेडी गिवन है ना, इसका मास जो है वो ऑलरेडी गिवन है, कितना है 3 kg। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेलेरेशन निकाल रहे हैं। एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा, एफ नेट। तो एफ नेट कितना हो जाएगा, तो 32 माइनस 20, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 32 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो अब ये पूरा सिस्टम है तो इसका मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 3 kg, तो डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3 kg, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 4 m/s² एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन अब आपको फोर्सेस बतानी है इसका, ये इस पर कितना लग रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ का अगर बता रहा है तो आपको क्या करना होगा, सिस्टम को यहाँ से क्या करना होगा, अलग करना होगा, तभी आप फोर्सेस बता पाओगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ क्या कि यहाँ से सिस्टम को ब्रेक करने की, है ना। तो अब आप आंसर जो है, या तो आप इसको एज ए सिस्टम मान के निकाल सकते हो, या तो आप इसको एज ए सिस्टम मान के निकाल सकते हो। ठीक है, तो चूंकि मैं 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट का क्या कर रहा हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, तो ये 10 सेंटीमीटर पार्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, एक तो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट के कांटेक्ट में है ये 20, और कौन सा कांटेक्ट में होगा, तो ये 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट जो है ये भी इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और ऑब्वियसली किधर की ओर लगा रहा होगा, तो आंसर इज राइट साइड लगा रहा होगा। क्यों, क्योंकि पूरा जो सिस्टम है, अभी आपने निकाला ये जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, ये जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम एक्सेलेरेट किधर करेगा, राइट साइड। तो पूरा सिस्टम जब राइट साइड एक्सेलेरेट कर रहा है, दैट मीन्स ये 10 सेंटीमीटर पार्ट भी राइट साइड एक्सेलेरेट करेगा, तो एक्सेलेरेट कराने वाला कौन है, 20 तो आपका लग रहा है लेफ्ट साइड, ऑब्वियसली राइट साइड को ना कोई फोर्स लग रहा होगा, और यही फोर्स कौन लगा रहा होगा, तो 20 सेंटीमीटर वाला पार्ट लगा रहा होगा, तो इसको मैं मान लिया एन। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे क्या हम लोग, एन माइनस 20, ठीक है, इक्वल टू, अब इसका मास है ना, पूरे का मास दिया है कितना, 3 kg, तो अब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये 1 kg होगा और ये कितना होगा, 2 kg होगा, तो इसका मास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर वाले का मास आ जाएगा कितना, 1 kg। तो एन माइनस 20 इक्वल टू एम इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 4, अभी अभी आपने निकाला, तो एन की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 24। इसका मतलब 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट को कितने से पुल करेगा, तो आंसर इज 24 से, है ना। और अगर सवाल ये पूछता कि 10 सेंटीमीटर वाला पार्ट जो है 20 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे कितना फोर्स लगेगा, तो आंसर क्या होता, सेम होता, क्योंकि आपने पढ़ा है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपको ये समझ में आया होगा, तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।